क्या लाए हम? चारा क्या लाएंगे हम पकड़ने के लिए, मच्छी पकड़ने के लिए? ये है कि दोले हमारे पास, इसमें केचुए कीड़े कीड़े इसमें केचुए है जो इनसे मछली अच्छी आती है। दोस्तों आज का ब्लॉगिंग है मच्छी पकड़ने का। आज हमारे साथ राकेश भाई गडोली के और कनेरा के सौरभ भाई। तो आज जाएंगे हम नदी मच्छी मारने बंगार। तो बंगार की डंडी में आज मच्छी मरेगी। और मच्छी मारने की तैयारी अर्जुन भाई के द्वारा। मेरे भाई भी आया यार, हम भी नहीं आया था, बोला कि आप आला था, आला नहीं आप ठीक नहीं बना रहा चमका ठीक नहीं बना रहा था। तो इसलिए राकेश भाई क्या लाए हम? चारा क्या लाएंगे हम पकड़ने के लिए, मच्छी पकड़ने के लिए? ये है कि दोले हमारे पास, इसमें केचुए कीड़े कीड़े इसमें केचुए है जो इनसे मछली अच्छी आती है। जानवरों के मल में ये अपने आप हो जाते हैं। द्विलिंगी कीड़ा है, द्विलिंगी यानी इसके दोनों तरफ मुंह होते हैं, केचुआ और इसके सीधे। ये है मछली का निवाला। देखा दोनों पर से गड़े में मरी मोटा कीड़ा नहीं लाया तुम यार? मैं हंस क्या रही है, मोटा ज्यादा ना ये के लिया छो काना। अबे यार ये बताती नहीं कुछ यार, एक दिख रे पर फट जा रहा है। आ तुम भाभी चमड़ कर दी साला खाना मां का तुम ठीक बना। तुम जब मोटी दिखो सही बना। अरे साले एक तरफ बड़े पतले जल्दी ना मुझे खिसक जाती हमारा छोटा लगा नहीं रस्सी नहीं दिखे नहीं क्या हो रहा मस्त जी फोन इन गुल डंडे चाहे डाका भी ना जानिए फिर बल्सा का डंडा बना ला कोई तो वह सीधा रहने चाहते थे सीधा सीधा तो वह गुलटे नहीं ये कत डाल रहे गाती कर रहे हैं कत डाल रहे 1 मीटर एक बिना मीटर हो गए ये सी उसी के सामने की नया रहे अर्जुन भाई डोलाल डंडा लगा के डंडा लगा से तो अर्जुन भाई के लगा डंडा हैं अर्जुन ने लगा डंडा हम तो लगा से डंडा का बोला टिंकू से लिया ना टिंकू नहीं आए वो एक किस्मत है मास दवाई की बहन घर पकड़ दो फ्लैश हेड फोन नहीं है क्या आ गया फोन ये सूसी बाजार हमारा आगा और एक काना भाई हमारे पता नहीं क्या कर रहे हैं केचुआ लगा रहे हैं अभी
कान मारेंगे अब मक्के से, चलते हैं। ये रात पे रख लेना ना। तो फाइनली दोस्त हमने पकड़ी है कम से कम 3 घंटे बाद एक आधे किलो की ये वाली मच्छी, और इसके बाद बनेगी इसकी सब्जी। और जो साथ में हम लाए थे ये 2 छोटी मच्छियाँ, तो इन मच्छियों को रखा हमने अपनी जो पानी की टंकी होती है छत में उसमें, ताकि जो भी गंदगी है ये साफ कर ले। और अंत में खाएंगे हम आज मच्छी और भात। और मच्छी और भात की जो यहाँ पर पहाड़ी भाषा में जो सबसे पसंदीदा खाना भोजन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मच्छियों की कोई कमी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नई वीडियो में नए सिरे से। धन्यवाद दोस्तों।